मेरा नाम दक्ष है, क्लास फोर्थ, विषय हिंदी, पुस्तक प्रज्ञा प्रवाह, पाठ 11, मेट्रो रेल। छोड़ो इसके बारे में। प्रदूषण जान लेते हुए दुर्घटनाएं, यातायात जाम की स्थिति में देश की राजधानी दिल्ली में मेट्रो रेल चलाने का विचार किया गया। विश्व में अब तक जापान, कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर, जर्मनी तथा फ्रांस में मेट्रो रेल चल रही है। एक मोटे अनुमान के अनुसार यदि समस्त दिल्ली मेट्रो रेल के जो रूट तय करे हैं वे प्रारंभ हो जाते हैं तो राजधानी की सड़कों से लगभग 6,300 बसें की कमी हो जाएगी। यही नहीं, इसके अतिरिक्त करोड़ों रुपए का ईंधन भी बचेगा। मेट्रो रेल को लेकर किए गए एक अध्ययन में पता चला है कि वर्तमान में राजधानी की सड़कों पर दौड़ाने वाले वाहनों की संख्या 90 लाख है। वाहनों की यह संख्या तीन महानगरों कोलकाता, मुंबई व चेन्नई के कुल वाहनों से कहीं अधिक है। इन 90 लाख वाहनों में 90% निजी है। राजधानी में सड़कों की कुल लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर है। इस प्रकार शहर की 21% हिस्सों पर सड़कें फैली हैं। इसके बाद राजधानी की मुख्य सड़कों पर वाहनों का औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस गति को बढ़ाने और यातायात जाम की स्थिति निपटने तथा सड़क हादसों में कमी लाने में मेट्रो रेल काफ़ी सहायक सिद्ध हुई है। मेट्रो प्रारंभ करने का मुख्य कारण है वायु प्रदूषण का समाधान, सुगम यातायात तथा जाम से छुटकारा। दिल्ली में मेट्रो का उद्घाटन 24 दिसंबर 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। मेट्रो रेल आधुनिक संचार व नियंत्रण प्रणाली से सुसज्जित है। इसके कोच आधुनिक तकनीक से निर्मित तथा वातानुकूलित है। टिकट वितरण प्रणाली स्वचालित है। इस प्रणाली के अंतर्गत ट्रेन की समक्षता जितने टिकट देने के पश्चात मशीन टिकट नहीं देती है। स्टेशन में प्रवेश और निकासी की सुविधा भी पूर्ण आधुनिक है। यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो स्टेशन परिसर पर स्वचालित सीढ़ियां, एक्सेलेटर है। इसमें विकलांगों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए लिफ्ट की विशेष सुविधा है। इसका किराया भी अन्य परिवहन साधनों की अपेक्षा न्यूनतम रखा गया है। मेट्रो रेल के दरवाजे स्वचालित हैं। इसमें आगमन और प्रस्थान के संबंध में जानकारी यात्रियों को सूचना प्रदर्शन पटल और संबोधन प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। प्रत्येक लाइन पर हर 3 से 5 मिनट बाद दूसरी गाड़ी आ जाती है। इसमें यात्री द्वारा अपना सामान ले जाने अधिकतम सुविधा 15 किलोग्राम है। इसके अतिरिक्त यदि यात्री चाहे तो मासिक पास भी बनवा सकता है। मेट्रो रेल के कोच कोरिया आयात किए जाते हैं। मेट्रो के कर्मचारी तकनीकी रूप से सक्षम
होने के साथ साथ विदेशी भी परीक्षण प्राप्त करके आए हैं। मेट्रो दिल्ली मेट्रो के मार्ग को रंगों के अनुसार समझा जाता है। येलो लाइन समयपुर बादली से हुड्डा सिटी सेंटर, ब्लू लाइन नोएडा सिटी से द्वारका व पॉइंट 21 यमुना बैंक से विशाली, ग्रीन लाइन इंद्रलोक से कीर्ति हुए मुंडका, रेड लाइन रिठाला से दलसाड़ गार्डन, वायलेट लाइन आईटीओ से फरीदाबाद, ओके ऑरेंज लाइन एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन नई दिल्ली से एयरपोर्ट होती हुई द्वारका सेक्टर 21। भावी योजना नोएडा फरीदाबाद तथा गुरुग्राम गुड़गांव तक तो मेट्रो जा ही रही है, परंतु गाजियाबाद और बल्लभगढ़ को भी मेट्रो से जोड़ना है। छोटी मोटी 15 नई लाइनों और प्रारंभ करनी है, जिनकी कुल लंबाई 220 किलोमीटर होगी। इन सब लाइनों को चालू हो जाने के बाद दिल्ली एनसीआर में कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना सरल हो जाएगा। शब्दार्थ रूट रास्ता मार्ग हादसा दुर्घटना सक्षम समर्थ जाम वाहनों की भीड़ के कारण रास्ता बंद होना आयात विदेश से मंगवाना या लाना वॉलेट बैंगनिंग। प्रश्न उत्तर सरकार के ने दिल्ली में मेट्रो चलाने का विचार क्यों किया? प्रदूषण और यातायात जाम की वजह से। राजधानी की सड़कें सड़कों से 6300 बसें की कमी कब हो जाएगी? जब मेट्रो से आन जान शुरू हो जाएगा। राजधानी में किन महानगरों की कुल वाहनों की संख्या से भी अधिक वाहन हैं? कोलकाता मुंबई और चेन्नई। मेट्रो का उद्घाटन कब और किसने किया? मेट्रो का उद्घाटन दिल्ली में मेट्रो का उद्घाटन 24 दिसंबर 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। आगमन और प्रस्थान के संबंध में यात्रियों को सूचना का माध्यम लिखो। सूचना प्रदर्शन पटल और संबोधन प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। स्टेशन पर यात्रियों को गाड़ी पकड़ने के लिए कितनी देर प्रतीक्षा करनी पड़ती है? 3 से 5 मिनट। स्टेशन पर वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों के लिए क्या सुविधा दी गई है? स्टेशन पर वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों के लिए लिफ्ट की सुविधा दी गई है। पाठ खत्म।